वेलकम टू रिम क्लासेस मंडे टू सैटरडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर चौधरी, रिटायर्ड असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ, रिम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के बारे में। कब तक वैकेंसी आ सकती है, मेडिकल में क्या क्या होता है, फिजिकल वगैरह में क्या क्या होता है, कैसे हमें तैयारी शुरू करनी है, इन सारी चीजों पे अपन डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, जिन बच्चों का सपना राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना है, जिनको वर्दी पहननी है और उस पे 2 स्टार लगाने का शौक है, वो बच्चे पूरा वीडियो देखें, काफी उनको हेल्प मिलने वाली है। और जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो बच्चे नियमित रूप से चैनल पर हैं, वो एक बार वीडियो को लाइक करिए और अगर अच्छा लगता है तो शेयर भी करना है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा कि वैकेंसी राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की कब आने वाली है। तो दोस्तों, बहुत टाइम हो गया इंतजार करते करते। 2016 में लास्ट वैकेंसी आई थी, 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं और इसमें एक ही भर्ती सिर्फ कंप्लीट हुई है। तो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी में दोस्तों इतना टाइम आराम से लग ही जाता है, कई कानूनी पेचीदगियां होती हैं। अभी भी जो लास्ट भर्ती हुई है उसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो उनको ज्वाइनिंग होने के बाद शायद वैकेंसी निकले, और कोई डिसाइड नहीं है कि 1 महीने में निकल सकती है, कल निकल सकती है, 2 महीने लग सकते हैं, 6 महीने लग सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है टाइम की। बट ये चीज आपको बता देता हूं कि को एज में छूट जरूर मिल सकती है, यानी कि जितने साल तक एग्जाम नहीं होती है, वैकेंसी नहीं निकलती है, उतने टाइम की एज में छूट मिल सकती है। अगर सीधी नहीं मिलती है तो कोर्ट के माध्यम से मिलती है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और कम टाइम के अंदर दोस्तों सब इंस्पेक्टर नहीं बना जाता, सब इंस्पेक्टर जैसी एग्जाम्स के लिए आदमी को पहले तैयारी करनी पड़ती है। जो बच्चे वेट कर रहे हैं कि मैं वैकेंसी आने के बाद तैयारी करूंगा, तो वो बच्चे नहीं बन पाते हैं। अगर रिटर्न पास भी कर लेते हैं तो फिजिकल में रह जाते हैं, फिजिकल अगर कर लेते हैं तो इंटरव्यू में रह जाते हैं, या फिर फाइनल मेरिट में रह जाते हैं। तो बहुत कम पोस्ट्स होती हैं, तो ये उन्हीं लोगों को मिलती है जो पक्का डेडिकेट होते हैं, जिनका सपना ही सब इंस्पेक्टर बनना होता है, और जो मेहनत करने से चूकते नहीं है, आलस नहीं करते हैं। क्योंकि दोस्तों, आलसी आदमी को वही मिलता है जो मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। तो आपको आलस नहीं करना है, आपको फटाफट तैयारी शुरू कर देनी है। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बता दिया था कि आपके लिए बुक्स कौन सी होंगी, आपको सिलेबस कौन कौन सा लेना है, कैसे आपको तैयारी शुरू करनी है, इस पे भी हम बात करेंगे। हो सकता है कि आपके लिए ऑनलाइन भी हम जल्दी क्लासेस शुरू करें, जिसमें सारी चीज आपको बताएं। बट एक बार मैंने सिलेबस बता दिया, वो आप परचेज कर लीजिए और उसके बाद तैयार रहिए तैयारी शुरू करने के लिए। अभी मैं आपको बता देता हूं एक बार कि आपको मेडिकल के लिए बहुत बच्चों के डाउट रहता है, तो आज का वीडियो स्पेशल वैसे मेडिकल के लिए रखा मैंने। तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल हो चाहे राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर हो, दोनों का मेडिकल एक जैसा ही है। जो डॉक्यूमेंट के अंदर जो चीजें दी हुई है, उसमें नॉकनी, फ्लैट फुट, कलर ब्लाइंड या चश्मा या इस तरह की और कई प्रॉब्लम्स जो सर्जरी से संबंधित होती है, वो सारी चीजें डॉक्यूमेंट के अनुसार तो अलाउ नहीं है, उनमें निकाला जा सकता है। बट राजस्थान पुलिस के पास में अपने खुद के डॉक्टर्स नहीं है, सरकारी जो हॉस्पिटल है उन डॉक्टर्स पे डिपेंड होते हैं हम राजस्थान पुलिस, और उनसे मेडिकल कराया जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कुछ चीजों में शिथिलता बढ़ती जाती है, और मेडिकल में लगभग सारे बच्चे ज्वाइन करते हैं। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल हो, डॉक्टर हो, दोनों के ही मेडिकल के लिए आपको बिल्कुल नहीं परेशान होना है। अगर नॉर्मल कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो आराम से वो एडजस्ट हो जाती है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। और मेडिकल दोस्तों लास्ट टाइम होता है जॉइनिंग से जस्ट पहले, तो उसके लिए किसी को बाहर नहीं किया जाता है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है 4 दिन का, और उसमें आप इलाज करा सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो मेडिकल के लिए जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं, चाहे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर हो, दोनों के लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आप रिटर्न अच्छा करिए, आप फिजिकल अच्छा करिए, इंटरव्यू में अच्छा करिए और फाइनल मेरिट तक पहुंच जाइए, उसके बाद में मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं है। और भी अगर आपका मेडिकल से संबंधित कोई पॉइंट है या सब इंस्पेक्टर बनने से संबंधित, वैसे तो मैंने कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ी जिसके लिए आपको परेशान होना पड़े। और सारे वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगे हुए हैं, फुल डिटेल्स मैंने बता रखी है क्या क्या योग्यताएं चाहिए, उसके बाद में रिटर्न एग्जाम में क्या क्या होता है, क्या क्या सिलेबस रहता है, कितने मार्क्स का एग्जाम होता है, और फिजिकल में क्या क्या इवेंट होते हैं, कितने नंबर का फिजिकल होता है, और फाइनल इंटरव्यू कैसे होता है, कितने नंबर का होता है, और उसमें क्या क्या चीजें पूछी जाती है। तो सब इंस्पेक्टर के लिए हमने सारी चीजें पहले बता दी है। साथ ही दोस्तों, आपको जानकर बहुत हर्ष कि आप जिस अकेडमी का वीडियो देख रहे हैं, उस अकेडमी में 20 बच्चों का सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन एक में हुआ है, और परसेंटेज के आधार पर रिजल्ट देखा जाए तो राजस्थान में नंबर 1 अकेडमी है जिससे कि आप जुड़े हुए हो।
तो इस चीज का आपको गर्व होना चाहिए और आप भी अगली भर्ती के लिए अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। ऑनलाइन भी हमारे साथ जुड़े रहकर तैयारी कर सकते हो, आपको हर चीज गाइड करूंगा, हर चीज आपको बताने वाला हूं, बट आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना है, थोड़ा सा विश्वास रखना है और लगातार तैयारी शुरू करनी है, इसमें इंतजार नहीं करना है। कोई भी अगर आपको और भी पूछनी है तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। अकेडमी का एक नंबर भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस पे भी आप कॉल करके मेरे से बात कर सकते हैं, बट तैयारी शुरू कर दीजिए। जो बच्चे कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल में हैं, वो बच्चे भी तैयारी शुरू कर सकते हैं। साथ में अपनी कॉलेज भी रेगुलर रखिए और तैयारी भी रेगुलर रखिए। आपकी क्लासे बहुत जल्दी ऑनलाइन इस पे क्लासे भी हम इस चैनल पे लेने वाले लेके आने वाले हैं सभी इंस्पेक्टर बनने के लिए। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए मुझे भी कैसा लगता है वीडियो आपको। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।